नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज हम आपको बड़ी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा बड़ी ही निराली है, अब तक की सबसे सुंदर कथा है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़ कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिएगा। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। ये कथा बहुत ही आनंदित करने वाली कथा है। यह कथा सुनकर आप यह सोचकर निराश नहीं होंगे कि आपने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया। आज हम सावन सोमवार की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। इसे सुनकर और आचरण करके मनुष्य के सभी पाप और कष्टों का नाश हो सकता है और महादेव के स्मरण में वह जीव अंतकाल पर शिवलोक धाम की ओर प्रस्तुत होता है। भगवान शिव के इस व्रत को करने या सुनने से आपकी हर इच्छा जरूर पूरी होती है। इस कथा को सुनने वाले, बोलने वाले और हुंकार भरने वाले पर आपका आशीर्वाद सदैव साथ रहे, उनकी हर मनोकामना पूरी होती रहे। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की यह कथा सुनने से व्यक्ति के कानों में अमृत की तरह मधुर वाणी घुल जाती है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती जी मिलकर यात्रा करने गए थे। उन्होंने मृत्युलोक के अमरावती नगर में कदम रखा। नगर के राजा ने एक श्रेष्ठ मंदिर बनवा रखा था जिसमें भगवान शिव की प्रतिमा स्थित थी। शिव और पार्वती जी ने उस मंदिर में आवास में किया। एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे आज चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। शिव जी ने पार्वती जी की इच्छा को जानकर उनके साथ चौसर खेलने के लिए बैठ गए। जब खेल शुरू हुआ तो उस मंदिर के पुजारी ने वहां पहुंचकर उनकी पूजा की। एक समय की बात है, माता पार्वती जी ने मंदिर के पुजारी से पूछा, कृपया बताइए इस बाजी में किसकी जीत होगी। उस पुजारी ने भगवान शिव के अद्वितीय भक्त की भावना से कहा, माता, निश्चित रूप से भगवान शिव की ही जीत होगी। हालांकि वास्तविकता में चौसर में भगवान शिव की हार हो गई। इस प्रकार माता पार्वती जी ने जीत हासिल की। इस पर माता पार्वती ने उस पुजारी को झूठ बोलने का दोष देकर कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माता पार्वती उसी मंदिर से कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। पार्वती जी के श्राप से परिणाम स्वरूप पुजारी को कोढ़ी में परिवर्तित होने लगा। उस नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी के कोढ़ी रूप से आने से पूर्व से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा को पुजारी के कोढ़ी होने का शिकायत किया। तब राजा ने उस पाप के कारण पुजारी की कोढ़ी से जाने के विचार करते हुए उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। राजा ने सोचा कि वह पुजारी किसी पाप काम से हुआ है और इसी कारण से वह कोढ़ी हो गया है। अब राजा ने उस पुजारी को मंदिर के साथ साथ अपने नगर से भी बाहर निकाल दिया। उसके स्थान पर एक और ब्राह्मण को पुजारी बना दिया गया। कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर जाकर भिक्षा मांगने लगा। कुछ दिनों बाद स्वर्ग लोक से कुछ अप्सराएं उस मंदिर में आई। उन्होंने उस पुजारी से मिलकर कारण पूछा। उसने उनसे कहा, हे पुजारी, तुम ऐसे कोढ़ी कैसे बन गए? हमने एक बार तुम्हें देखा था और तुम महादेव की कितनी श्रद्धा भक्ति से पूजा करते थे। इसी मंदिर में पुजारी रहता था और आज क्या हुआ कि तुम कोढ़ी बन गए? उस पुजारी ने उसे निसंकोच भगवान शिव और माता पार्वती के साथ चौसर खेलते देखा और उसने उसे पार्वती माता के श्राप की कहानी सुनाई। तब अप्सराएं उस पुजारी से 16 सोमवार के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने की सलाह दी। पुजारी ने पूजन विधि पूछी तो अप्सराएं उससे यह कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा शहर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बनाकर फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, बिलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। पूजा के बाद 3 अंगों में से 1 अंग को भगवान शिव को अर्पित करके 1 ग्रहण करें। शेष 2 अंगों को भगवान का प्रसाद समझकर वहां मौजूद स्त्री पुरुष और बच्चों को उनको बांट दें। इस रीति से व्रत करते समय
16 सोमवार हो जाएंगे। एक पाव आटे की बाटी बनाकर उसमें घी और गुड़ डालकर चूरमा बना लेना, फिर भगवान शिव के लिए भोग प्रस्तुत करना, वहाँ मौजूद स्त्री पुरुष और बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरीके से 16 सोमवार का पूरा करने पर व्रत कथा सुनकर भगवान शिव आपकी कोट को समाप्त करके आपके सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक की ओर चली गई। पुजारी ने अप्सराओं की सलाह मान ली, 16 सोमवार का विधि पूर्वक व्रत आचरण किया। उसके व्रत करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो गए और भगवान शिव की कृपा से पुजारी की कोट भी ठीक हो गई। राजा ने फिर से उसे मंदिर का पुजारी बनाया। अब हम मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते हैं, आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। उसी बीच भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में पहुंचे। स्वस्थ पुजारी को देखकर पार्वती जी ने उसके रोग मुक्ति के कारण पूछे। तब पुजारी ने 16 सोमवार का व्रत करने की पूरी कथा सुनाई। पार्वती जी व्रत की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुजारी से उसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत आरंभ किया। माता पार्वती उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय की नाराज होने से दूर जाने के कारण बहुत परेशान थी। वे कार्तिक को वापस लाने के लिए कई प्रयास करती है, परंतु कार्तिक उनके पास लौट कर नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार के व्रत के दौरान माता पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिक को वापस लाने की इच्छा व्यक्त की। व्रत के समापन में तीसरे दिन सचमुच में कार्तिक वापस लौटे। कार्तिक भगवान ने हृदय परिवर्तन के बारे में बताया। माता पार्वती से पूछा कि क्या माता, आपने ऐसा क्या किया, आपने कौन सा उपाय अपनाया था जिससे मेरा क्रोध दूर हो गया और मैं शांत हो गया। तब पार्वती जी ने कार्तिक को 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। भगवान कार्तिक अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के परदेश जाने से बहुत दुखी थे। उनको वापस लाने के लिए कार्तिक भगवान ने 16 सोमवार का व्रत किया, ब्रह्मदत्त के वापस आने की कामना की। व्रत के समापन के कुछ ही दिनों बाद मित्र वापस आ गया। ब्रह्म ने कार्तिक से पूछा, प्रिय मित्र, तुमने ऐसा कौन सा तरीका अपनाया था जिससे परदेश में मेरे विचार बदल गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए वापस आ गया। कार्तिक ने अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की कथा विधि पूर्वक बताई। ब्रह्मदत्त व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ, वह भी व्रत किया। 16 सोमवार व्रत का समापन करने के बाद ब्रह्मदत्त विदेश यात्रा पर निकल गए। वहाँ नगर के राजा हर्षवर्धन की बेटी राजकुमारी गुंजन का स्वयंवर आयोजित हो रहा था। वहाँ के राजा ने प्रतिज्ञा की कि जिसके गले में हाथी जयमाला डालेगा उसी से उसकी पुत्री का विवाह संपन्न होगा। ब्राह्मण भी उत्सुकतावश महल की ओर बढ़ गया। वहाँ कई राज्यों के राजकुमार बैठे थे। उसी समय एक सुंदर धूप छाया में हथनी पर बैठकर वहाँ पहुंची। हथनी ने ब्राह्मण के गले में जयमाला को बैठा दिया। इस परिणाम स्वरूप राजकुमारी का विवाह उसी ब्राह्मण से संपन्न हो गया। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपने किस शुभ कार्य को किया था जिसके कारण इस हाथी ने राजकुमारों को त्याग कर आपके गले में जयमाला को बैठा दिया। उस ब्राह्मण ने 16 सोमवार के विधि पूर्वक को समझाया। राजकुमारी ने अपने पति से 16 सोमवार के व्रत के बारे में सुनकर उसे अपनाया। उसने अपने पुत्र की इच्छा के माध्यम से 16 सोमवार के व्रत का आचरण किया और अनिश्चित समय पर भगवान शिव की कृपा होने से राजकुमारी के घर में एक सुंदर सुशील और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नामकरण गोपाल के रूप में किया गया। जब यह पुत्र बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से एक दिन पूछा, माँ, मैं तो तुम्हारे ही घर में जन्म लिया, मेरी माँ कैसी हो, इसका कारण क्या हो सकता है। माता गुंजन ने अपने पुत्र से सोमवार के व्रत की सरल जानकारी दी। जब गोपाल ने व्रत के महत्व को समझा, उसने व्रत करने का निश्चय किया। जब गोपाल को 16 वर्ष की आयु पूरी हुई, उसने राज प्राप्ति की इच्छा से व्रत आचरण किया। वह 16 सोमवार के व्रत की विधि विधान से पालन किया। जब व्रत का समापन हुआ तो गोपाल ने आसपास के एक नगर में घूमने का निश्चय किया। वहाँ के प्राचीन राजा ने गोपाल को अपने दल में बैठा लिया। फिर उन्होंने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री राजकुमारी मंगला का विवाह गोपाल से करवा दिया। गोपाल ने 16 सोमवार के व्रत का आचरण करने से महल में पहुंचकर बहुत खुशी से जीवन जीने लगा। करीब 2 वर्ष बाद प्राचीन राजा का निधन हो गया। इसके बाद गोपाल को उस नगर का राजा बना दिया गया। इस रूप में 16 सोमवार के व्रत का पालन करके
गोपाल की राज प्राप्ति की इच्छा पूरी हो गई। राजा बनने के पश्चात वह व्यक्ति अपनी आदतों का पालन करता रहा। 16 सोमवार के व्रत को बिना छोड़े व्रत का समापन होने पर गोपाल ने 16वें सोमवार को अपनी पत्नी मंगला से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें व्रत से संबंधित सारी आवश्यक चीजें लाकर शिव मंदिर आना है। इसके बावजूद उनकी आज्ञा की अनवरत अनुपालन करते हुए उनके चिन्हित सेवकों ने पूजा की सामग्री को मंदिर में पहुंचा दिया। जब राजा ने भगवान शिव की पूजा पूरी की तब आकाशवाणी हुई कि राजा, तेरी पत्नी ने 16 सोमवार व्रत का अपमान किया है, इस पर रानी को महज निकाल दे, अन्यथा तेरा संपूर्ण राज हानि उठाएगा। आकाशवाणी को सुनकर उसने रित महल में पहुंचकर अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि रानी को दूर एक नगर में भेज दिया जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए तत्काल उन्हें घर से निकाल दिया। रानी जिस नगर में आई वहाँ उसे भूखी और प्यासी होकर भटकने लगी। उस नगर में रानी को एक बुढ़िया मिली जो सूत काट रही थी और वो सूत बाजार में बेचने की योजना बना रही थी, परंतु उस बुढ़िया के पास सूत उठाने का कोई उपाय नहीं था। बुढ़िया ने रानी से कहा, बेटी अगर तुम मेरी मदद करोगी और मेरी सूत को बाजार तक पहुँचाओगी तो मैं तुम्हें धन दूंगी। रानी ने बुढ़िया की सलाह सुनकर सहमत हो गई, लेकिन जैसे ही उसने सूत की गठरी को उठाया तब एक तेज आंधी उठी और गठरी खुल जाने से सभी सूत की रस्सियां उड़ गई। बुढ़िया माता ने तुरंत रानी को डांटते हुए उसे भगा दिया। रानी अपने आगे बढ़ते हुए एक ग्वाले के घर पहुंची, जिसने देखकर उसकी दया की और उसे घर में ठहरने की अनुमति दे दी। परंतु तभी उस ग्वाले के दूध से भरे हुए मटके में भगवान शिव के प्रकोप के कारण एक एक करके दरारें पड़ने लगी। उस पर ग्वाला बहुत खपा हो गया और वो रानी को एक अशुभ संकेत समझकर अपने घर से निकाल दिया। अब रानी ने उस जगह को छोड़ दिया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर रानी वहां से आगे की ओर बढ़ी। एक नदी पार करते समय रानी ने नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाई, परंतु उसके स्पर्श से ही नदी का जल तुरंत ही सूख गया। अपने भाग्य की खोज में आगे बढ़ती हुई रानी कदम बढ़ाती गई। शाम होते होते रानी एक जंगल में पहुंच गई जहां पर जल भरा हुआ था। जल की दृष्टि से रानी की प्यास और भी बढ़ गई। जल पीने की इच्छा से रानी ने तालाब की सीढ़ियों को नीचे उतारा। जैसे ही उसने जल को स्पर्श किया तब तालाब के पानी में अनगिनत कीड़े आ गए। दुखित होकर रानी ने उस अशुद्ध जल को पीकर अपनी प्यास को बुझाया। फिर रानी ने एक पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ी देर आराम करने की कोशिश की। इसके परिणाम स्वरूप उस पेड़ के पत्ते पल भर में सूख गए और विचलित होकर गिर गए। इसके बाद रानी ने दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वह बैठती थी वह पेड़ सूख जाता था। जंगल और तालाब की यह दुर्दशा देखकर वहां के ग्वाले बहुत हैरान हो गए। ग्वाले ने रानी को निकटस्थ मंदिर ले गए जहाँ पुजारी खड़े थे। रानी के चेहरे देखकर पुजारी को अद्भुत अनुभव हुआ। वह समझ गए कि वह महत्वपूर्ण है। वे यहाँ भटक रहे हैं क्योंकि भाग का परिणाम स्वरूप उन्हें यहाँ पहुँचना पड़ा है। पुजारी ने रानी से कहा, पुत्री आपको किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप इस मंदिर में रुको, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुजारी के वचनों से रानी को बड़ी राहत मिली। वे इस मंदिर में बसने लगी। खाना पकाते समय सब्जियाँ जल जाती थी, आटे में कीड़े प्रवेश कर जाते थे। पुजारी भी रानी के भाग से बहुत परेशान थे और उन्होंने उसे यह कहा कि पुत्री तुमने अवश्य कोई अनुचित काम किया है जिसके कारण देवता तुमसे खुश नहीं है और उनकी असंतुष्टि ही तुम्हारी यह परिस्थिति का कारण है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने अपने पति के निर्देशों का पालन करते हुए मंदिर नहीं गई। उन्होंने शिव की पूजा नहीं की बल्कि उनके विषयक संपूर्ण कथा को सुना। पुजारी ने उन्हें आश्वस्त दिया, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, कल सोमवार है और कल से ही तुम 16 सोमवार का व्रत आरंभ करो। भगवान शिव निश्चित रूप से तुम्हारे सभी दोषों को क्षमा कर देंगे। इसके बाद पुजारी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत कर दी। रानी ने सोमवार का व्रत आरंभ किया और शिव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए व्रत कथा सुनने लगी। सातवें दिन जब रानी ने सोमवार को व्रत का विधि पूर्वक समापन किया तो वहाँ राजा के मन में रानी की यादें फिर से उत्तेजना उत्पन्न कर गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को रानी को खोज निकालने के लिए भेजा।
सैनिक रानी की खोज करते हुए मंदिर तक पहुंच गया और वहां पर रानी से लौटने की विनती की। पुजारी ने सैनिकों का इंतजार किया, फिर सैनिक निराश होकर वापस लौट गए। उन्होंने राजा से सारी घटना बताई। राजा खुद उस मंदिर तक पहुंचे और रानी को महल से बाहर निकालने के कारण पुजारी जी से क्षमा मांगी। पुजारी जी ने राजा से कहा, यह सब भगवान शिव के प्रकोप के कारण हुआ है। इस तरह पुजारी जी ने रानी को विदा किया। राजा ने रानी के साथ महल पहुंचने का निश्चय किया। महल में बहुत सारी खुशियां मनाई गई। पूरे नगर को सजाने का काम किया गया। राजा ने ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र और धन को दान की व्यवस्था की। नगर में गरीबों को वस्त्र वितरित किया गया। इस प्रकार रानी ने 16 सोमवार का व्रत नियमित रूप से किया। महल में खुशी खुशी रहने लगी। भगवान शिव की अनुकंपा से उसके जीवन में सुख का संचार हुआ। 16 सोमवार के व्रत को आसानी से निभाने और कथा को समझने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है और उनके जीवन में कोई भी प्रकार की कमी नहीं रहती। स्त्री और पुरुष आनंद पूर्वक जीवन का आनंद उठाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलो भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान कार्तिक समेत गणेश माता की जय, बोलो नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, अगर ये कहानी बोलते समय मुझसे कोई टूटी हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। और दोस्तों, अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।